शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था और इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि हमें ईमेल कर दीजिए, फिर हम देखेंगे। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को कहा था कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए, हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।